तो नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है गौरव, आपकी माँ को नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। मैं ठरक चंद लेके आ चुका हूँ फिर से एक और मूवी। इस मूवी में बहुत गहरे वाले, बहुत ज्यादा ही गहरे वाले रिश्ते हैं। स्टार प्लस वाले रिश्ते की गांड मार कर उनसे ज्यादा उभर कर आते हैं इस मूवी में पनपने वाले कलाकारों के रिश्ते। व्हाट इफ, क्या आपने व्हाट इफ की सीरीज देखी है? ठीक वैसा ही है इस मूवी के अंदर। क्या हो यदि मिर्जापुर का फिरंगी वर्जन हो? ये कहानी आधारित है कालीन भैया, बाऊजी और बिना नाम के कलाकारों पर। ना ना ना, ये वाले कलाकार नहीं, ये वाले कलाकार। यानी कि आपको कहानी का मैक्सिमम सार समझ में आ गया होगा। तो बिना स्पॉइलर दिए वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर जरूरी है, इस मूवी के अंतर्गत ईयरफोन और हेडफोन का यूज नेसेसरी है। ये मूवी काल्पनिक दृश्यों पर आधारित है और हमारे विचारों के अनुरूप है। इस मूवी के सभी कलाकारों को प्रमोट करने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो कृपया वीडियो दिल पे ना ले, अगर दिल पे ले लिया है तो वहाँ पे भी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और पिछवाड़े को बंद कर लें फेविक्विक से। आज मैं लेमन के जूस में मसाला स्वरूप डालूंगा तोड़, यानी कि डैमेज। इस मूवी की मुद्दाई 1992 में हुई है। तो बिना आपके नेट की डुई मारे वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। चूंकि ये मिर्जापुर का फिरंगी वर्जन है, तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बाऊजी को, जो कि बहुत अमीरावस्था में है, जो कि अपने पैरों पर भी चल सकते हैं, जिनके कट्टों का बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है। मतलब ये पॉलिटिक्स में है, पैसों की कमी कैसे हो सकती है। इस फिरंगी बाऊजी की फैमिली में उसकी पत्नी और उसकी बेटी है। यंग फिरंगी कालीन भैया भी थे, बस कमी थी तो बस बिना की, जो कि आगे चलकर पूरी हो जाएगी। एक दिन पार्टी के दौरान बाऊजी बिना मिलते हैं, जो कि हमारे यंग फिरंगी कालीन भैया की सो कॉल्ड गुनगुनी जी अफ है। मिर्जापुर में क्या था कि बाऊजी चाहकर भी बिना से अपने आप को प्यार नहीं करवा सके, लेकिन हमारी फिरंगी बाऊजी और सो गुनगुनी बिना के बीच प्यार के बीच फूट पड़ेंगे, क्योंकि ये मिर्जापुर का फिरंगी वर्जन है और ये व्हाट इफ की सीरीज है। मेरे वाले व्हाट इफ की सीरीज है। अगले दिन हम देखते हैं कि कालीन भैया अपनी सो कॉल्ड गुनगुनी बीना को अपने घर वालों से मिलवाते हैं। वहाँ पर बीना और बाऊजी ऐसी एक्टिंग करते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं कि ऑस्कर वार्ड खुद आकर बोलेगा, मार ले भाई, मार ले, ले, ले मार ले भाई, मैं पीछे के खड़ा हूँ, मार ले मेरी। जहाँ एक और बिना फिरंगी वर्जन कालीन भैया की अभी जीएफ थी, लेकिन उसे एक्सपीरियंस वाले ही पसंद आते थे, क्योंकि ये व्हाट इफ की सीरीज है ना। वहीं दूसरी ओर बाऊजी का कुछ ये रिएक्शन होता है, क्या माल है यार। एक दिन बाऊजी के पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो बिना से तेल लगवाते हैं, वो भी जोरों शोरों से। वो बिना को कहते हैं कि शेर के मुंह अब खून लग चुका है। कुछ ही दिनों बाद कालीन भैया के कट्टों का व्यापार वर्ल्ड वाइड होने लगता है, तो उस खुशी में वो पार्टी रखते हैं। कालीन भैया कहते हैं कि अजी हमारे कट्टों का क्या ही कहना, हमारे कट्टे तो कट्टे हैं साला, कभी खराब ही नहीं होते। अब तो हमारे कट्टों का यूज यूक्रेन वासी और रूस वासी आमने सामने एक दूसरे की गांड मारने में करते हैं जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। पार्टी में बिना से उसकी होने वाली सास उसके बारे में पूछती है, तो वो अपने बारे में बताने लगती है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। पार्टी खत्म होने के बाद बाऊजी के पैरों में फिर से दर्द होने लगता है, तो वो कालीन भैया को कहते हैं, अरे बेटा हमारे पैरों में दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तेल नहीं लगवाया तो मावशी चिगांड सॉरी। जिसके बाद वो बिना से कहते हैं कि मेरा लौड़ा ले, लौड़ा लो ना मेरा, लेंगे हाँ ओके। सारा क्रियाकांड होने के बाद बिना कहती है कि हमारे गुड्डू और स्वीटी का एहसान है हम पे, वो मेरे साथ थ्रीसम बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वीटी लाइट का प्लग थी और मैं घर पे नहीं थी, तो गुड्डू ने स्वीटी को खो दिया, लेकिन साथ ही खुद भी खुद गया। लेकिन हमारी फिरंगी बाऊजी को इस चीज से भी जान फर्क नहीं पड़ता, और बाऊजी वहाँ से पेरिस चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से जितना दूर जाओगे वो आपको उतना पास खींचेगी, वही हाल था हमारे बाऊजी का। उनके पैर फिर से जवाब देने लगते हैं, तो मैन फॉर्चुनेटली बीना और कालीन भैया भी वहीं पेरिस में भी थे। पेरिस पहुँचने पर बाऊजी उसी होटल में रूम ले लेते हैं जिस होटल में बीना और कालीन भैया रुके हुए थे। वहाँ बाऊजी बीना को कॉल करते हैं, वहाँ बाऊजी बीना को कॉल करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद बाऊजी और बीना मात्र एक सहयोग बस मिलते हैं, तो बाऊजी बिना समय गुवाए अपने पैरों में मालिश करने लगा देते हैं बीना को। 2000 years later लंके अन में आने के बाद बाऊजी फिर से बीना को कॉल करते हैं और मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये बात बीना को बुरी लगती है। बीना कहती है की तुम मेरे घर में, जिसके जवाब में बाऊजी कहते हैं कि अब गांव
पहले वाली बात है जी, अब तो उम्र होने को आई है, फिर भी जवाब देने लगी है। मन तो करता है कि तुझसे इसी वक्त शादी कर लूं, अब ठाकुर तो हूँ नहीं कि धोने वाले से लेकर हिलाने वाले को साथ रख लूं। तो सोचा शादी कर भाग चलती है। ना 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 माऊजी, ये तो पाप हो जाएगा। माऊजी अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो आप अपनी फैमिली खो दोगे और ये सब गलत हो जाएगा। तौबा तौबा तौबा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे पास एक मस्त प्लान है तेरे बेटे से मेरी शादी कराने का, फिर मेरा तेरे घर आने का, स्वागत उसके साथ साथ आपके साथ भी मनाने का। आ, समझ में आया क्या? ऐसे कुछ में बीतता है, तभी बाबूजी को राजा और बीना के बारे में पता लगता है और वो बीना के घर जाते हैं जहाँ पर राजा पहले से ही था और वो बाजा बजाने के मूड में भी था कि तभी बाबूजी आ जाते हैं और राजा भाग चलते हैं। बाबूजी बीना को कहते हैं कि तुम्हें ये सिखाना बहुत जरूरी है कि शरीफ घरों की बहुएं बाहर मुंह नहीं मारा करती, दरवाजा बंद करके अपनी माँ मत चोदाओ। कुछ दिन यूं ही तनाई में बिताने के बाद बाऊजी की पत्नी उर्फ कालिन भैया की माँ, जिसका कोई सेंस नहीं है इस मूवी में, चूंकि ये व्हाट इफ है तो इस मूवी में उसके जीवन का एक साल कम हो जाता है, मतलब उसका बर्थडे आ जाता है, तो उस खुशी में वो घर में एक पार्टी रखती है। उस पार्टी में कालिन भैया अपनी जीएफ को भी बुलाती है। बिना को वहाँ पर कालिन भैया शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं। तो यहाँ पर बिना शादी के लिए भी मान जाती है, जहाँ पर कालिन भैया की माँ और बिना के विचारों का परस्पर मेल मिलाप नहीं होता। बिकॉज सास बहू के चौंसले हर घर में होते हैं, वही पुराने वाले रिश्ते खराब होते रहते हैं, पर सास को ये नहीं पता कि वो उसकी सोत है। अब सूरज ढलने लगता है, चांद बादलों के पीछे जाने लगता है और घर घनघोर अंधकार होने लगता है। तब बाबूजी अपने नाइट सूट में बिना के कमरे में आकर सुदम पट्टी मचाते हैं। उस वक्त कमरे में उनके अलावा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कालिन भैया भी नहीं, वो चाहे बिना का होने वाले पति क्यों ना हो, पर वो फिर भी नहीं होता यार, क्योंकि व्हाट इफ है। सुदम पट्टी मचाने के बाद बाबूजी बाहर आ रहते हैं कि उसको उसकी बेटी दिखती है। एक मिनट, सारी बातों को साइड में करते हैं, बाबूजी की वाइफ है ये, जिसका मुझे नाम तक नहीं पता, और उनके दो बच्चे भी हैं, एक ये और एक ये, दोनों की उम्र के बीच काफी डिफरेंस है, तो क्या समझे। एनीवे बाबूजी कहते हैं, देखो बेटा तुम्हें पता ही होगा मेरी तो अब उम्र होने को आई है, मेरा अंधा लोड़ा भी कहीं भी, ओ सॉरी मेरी अंधी आंखों से मुझे कहीं भी दिखता नहीं है, तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ। उसके अगले दिन बाबूजी की हवेली पे बीना की माँ आती है और वहाँ पर शादी की तारीख तय करते हैं, पर उनके बीच कुछ खास बातें होती नहीं, तो बाबूजी खुद बीना की माँ को अपनी कार में घर छोड़ते हैं। तब वहाँ पर बीना की माँ कहती है कि सुन बे अंधे लोड़े, मुझे पता है कि तुम्हारा और बीना का FIR चल रहा है, तो ये सब बंद कर दो नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा हाल। जिसके बाद वो बीना को कॉल करता और कहता है कि अब हम नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं कि बाबूजी के हाथों में छाले पड़ने लगते हैं, तो उससे रहा नहीं जाता और वो फिर से बीना को कॉल करता है। वो कहता है कि हेलो बेटा जी, बीना बोल रही है क्या? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे छाला देख के नंबर डाल कर। लेकिन यहाँ पर बीना को सब समझ में आ जाता है और वो एक दिन बाबूजी के पास पार्सल के थ्रू एक घर की चाबी पहुँचाती है। उस घर में जाने के बाद फिर से वो चुदम पट्टी मचाते हैं। अभी चादर मत भोसड़ी के भोसड़ पप्पू, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर। लेकिन तभी वहाँ पर कालीन भैया भी आ जाते हैं। कालीन भैया बाबूजी को देखते हैं, वो दोनों अपनी आंखों से आंखें मिलाते हैं। हो रहे भट्टाचार्य को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही दिन मर जाएगा, कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ये सारा राडा मीडिया में फैल जाता है, घर से उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है बाबूजी को। बीना भी ठुकरा देती है बाबूजी को, फिर क्या था वो सेंटी होके कहीं दूसरी जगह बस जाते हैं। वहाँ पे वो अपनी फैमिली की तस्वीर देखते सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल कबीर सिंह के स्टाइल में। यहाँ पर हमारे बाबूजी दुखी / हार्ट ब्रोकन / बेवफा / मुठिया / मुठल बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आज के एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।